लेकिन हमारे साथ किरण जाधव हैं. किरण, जो हम बैंक्स पर फोकस कर रहे थे, बैंक निफ्टी में इस समय आप क्या ट्रेड सुझाएंगे, क्योंकि 10 पॉइंट का नुकसान देखने को मिला है और पिछले हफ्ते से लेकर आज तक जो हमने चर्चा की है, बाजार यही उम्मीद कर रहा है 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आएगा. अगर एक सरप्राइज नहीं आता है, इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस आता है ये नंबर, ये रेट कट, शायद बाजार को धक्का लगे, क्रैक डाउन देखने को मिले. तो इस समय फिर बैंक निफ्टी में क्या पोजिशन लेकर चले? अच्छा जी, मेरा मानना है कि मार्केट में बहुत सारे लॉन्ग पोजीशंस है और जो शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर हो गई है वो अभी भी ट्रैक होती नजर आ रही है और ऑन द लोअर साइड बहुत अच्छा सपोर्ट है, नीचे से अच्छा डिमांड दिखाई दे रहा है. बैंक निफ्टी की बात करें तो 16,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल और साइकोलॉजिकल दोनों सपोर्ट लेवल्स है. जब तक इसके ऊपर है, वेदर वी गेट अ गुड रेट कट और वी डोंट गेट अ रेट कट, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता चार्ट के हिसाब से. तो 16,000 के ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक मुझे डरने की कोई बात नहीं है और मेरा मानना है कि और हम हायर लेवल्स देखते नजर आएंगे. एक छोटा सा रेजिस्टेंस है जो कि हमने 3 बार टेस्ट कर चुके हैं और वो है करीबन 16,300. 16,300 के क्रॉस करते ही हमें बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल जाएगी और हम इजीली 17,000 के करीब जाते हुए नजर आएंगे. तो 16,000 के जब तक ऊपर है तब तक मुझे कोई डरने की संभावना नहीं और कोई डरना नहीं चाहिए, लॉन्ग पोजिशन बने रहना चाहिए.